सो गाइस एनवीडिया इज डाउन 5% दिस वीक. एनवीडिया का स्टॉक एकदम से नीचे गया है. क्या एग्जैक्टली हो रहा है? शुड यू इन्वेस्ट इन एनवीडिया और नॉट? लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो गाइस दोस्तों, आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज रिचुल एंड आई मेक वीडियोस अबाउट इन्वेस्टिंग, जो कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एनवीडिया का जो स्टॉक है. आई पर्सनली इन्वेस्ट इनटू रॉबिनहुड. मैं रॉबिनहुड पे इन्वेस्ट करता हूँ. And I am an active investor. I'm not been investing regularly abhi because of like too much things. But abhi maine matlab recently shuru kara hai dobara. So abhi Nvidia ki is video mein baat karne wale hain. And Nvidia ka jo basically stock price tha, I'll tell you. So it went. I'll show you here also. So maine abhi Robinhood khola hua hai. Uspe aapko dikhata hu. Nvidia ka jo currently price chal raha hai, wo chal raha hai $119.84. Ye dekho, theek hai. एनवीडिया का जो 119.84 प्राइस चल रहा है अभी, इसका अगर आप एक हफ्ते में देखोगे तो ये $5 गिरा है, $5.24 नीचे गया है. नाउ अगेन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, सब चीज़ें. बट अभी इस मोमेंट में आपको एनवीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं बता दूँ क्यों करना चाहिए आपको एनवीडिया में इन्वेस्ट. सो एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक हफ्ते का दिखा रहा हूँ. इफ़ आई शो यू अराउंड वन ईयर, सो एक साल में आप यहाँ पर देख सकते हो एनवीडिया $93 और नीचे गिरेगा. बट रॉबिनहुड पे एक चीज़ और है, 5 years का भी जाके देख सकते हो. तो अगर आप स्टॉक को 5 साल तक रखते हो अपने पास, सो स्टॉक प्राइस जो है आपका 162.36% बढ़ेगा. दैट इज़ अराउंड $74.16 बढ़ेगा अगर आप 5 साल तक स्टॉक को रखते हो अपने पास. तो अब बात करते हैं इसका जो पोजीशन है. सो मतलब इसका जो 52-week हाई गया था, दैट वॉज अराउंड $346. अभी कितना चल रहा है? 119. 346 तक 52 weeks में, जो अभी 52 weeks पुराने गए हैं उसमें जो हाइएस्ट एनवीडिया का स्टॉक गया था, दैट वॉज अराउंड 346. ठीक है, लोएस्ट अभी तक कितना गया है? लोएस्ट गया 108.13. उससे नीचे नहीं गया एनवीडिया का स्टॉक पिछले 52 weeks के अंदर. ठीक है, अब बात करते हैं इसका डिविडेंड यील्ड का. अगर आप एनवीडिया के मान लो इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है विच इज़ 0.14. अब एग्जैक्टली डिविडेंड क्या है, यील्ड क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. इस वीडियो में से बात करने वाले हैं कि आपको एनवीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अगेन दिस इज़ माई एडवाइस, डोंट टेक इट पर्सनली, अपना रिसर्च कर लेना. डू इट एट योर ओन रिस्क, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. मैं सिर्फ अपनी एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ पे आके कि मेरे को क्या लगता है. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, सो एनवीडिया का पर्सनली आई एम इन्वेस्टिंग इन टू दैट. आई हैव इन्वेस्टेड इन टू दैट बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन टू द कंपनी, इन टू द कंपनीज ग्रोथ. और इफ़ यू हैव रिसेंटली, अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा तो देर वॉज अ बोर्ड डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, शी डिस्प्लेड कि उसने उनने किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है. एंड एनवीडिया उनका सेकेंड हाइएस्ट पोर्टफोलियो में था. सो एनवीडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंपनी एंड आई डोंट थिंक द कंपनी विल बी गोइंग डाउन और शटिंग डाउन इन द अपकमिंग फ्यूचर. दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन. एनवीडिया हैज़ बीन सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी साल से चलता आ रहा है. दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन. एंड आई लाइक ओनली इन्वेस्ट इन टू द कंपनी जिसके आपको CEO पे ट्रस्ट है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ला में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इलॉन मस्क उसका CEO है. ठीक है, तो इससे ट्रस्ट बनता है. एंड पर्सनली आई एम इन्वेस्टिंग इन टू एनवीडिया. अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन इन्वेस्ट दैट. अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स हियर. एंड वन मोर थिंग बिफोर आई क्लोज डाउन दिस वीडियो, कि आपको एनवीडिया का मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. इफ़ यू गो टू रॉबिनहुड, इसमें एक ना बहुत कूल फीचर है. यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिस्ट का क्या सीन है. तो यहाँ पे एनालिस्ट बताते हैं कि जैसे मान लो ये बता रहे हैं 73% कह रहे हैं कि बाय करो. ठीक है, 25% कह रहे हैं कि होल्ड करो. अभी 2% लोग कह रहे हैं कि इसको सेल कर दो. ये सिर्फ आपको बताता है कि लोग क्या सोच रहे हैं. अभी वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है. ठीक है, पर्सनली आई एम इन्वेस्टिंग, आई हैव इन्वेस्टिंग, ज़्यादा नहीं करा हुआ, थोड़ा बहुत ही करा हुआ है, बट आई हैव इन्वेस्टेड दैट. एंड अभी रिसेशन चल रहा है, ऑब्वियसली सब चीज़ें अभी 2023 में और नीचे जाने वाली हैं. सो या दिस वीडियो वॉज जस्ट बेसिकली टू टेल यू अबाउट एनवीडिया एंड उसके अभी मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है. पिछले एक हफ्ते में तो गिरा है मार्केट, मतलब एनवीडिया का क्या सभी का स्टॉक गिरा है. सो या इन द नेक्स्ट वीडियोज आई विल टॉक अबाउट डिविडेंड यील्ड और स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो या इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.